हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्प क्रिएशंस। कैसे हैं आप लोग? बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम आल्सो वेरी गुड। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का मेरा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? आज का मेरा टॉपिक है टेक्सटाइल डिजाइनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएशंस ऑफ टेक्सटाइल डिजाइंस। तो टेक्सटाइल डिजाइंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? टेक्सटाइल डिजाइंस ये होते हैं कि जब हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं मार्केट से एंड उसके ऊपर जो डिजाइंस बने होते हैं उसको हम टेक्सटाइल डिजाइंस बोलते हैं। तो जो ये टेक्सटाइल डिजाइंस होते हैं ये बहुत सारी वैरायटी है इसमें, जैसे ट्रेडिशनल है, फ्लोरल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ज्योमेट्रिकल है एंड ग्राफिकल है, एंड आफ्टर उसके बाद पैटर्न डिजाइंस हैं उस पर जो, और बरोक्स हैं एंड उसके ऊपर डूडल्स डिजाइंस हैं एंड उसके ऊपर जेंटल डिजाइन है एंड उसके ऊपर जो है आप कहते हैं ब्रश डिजाइनिंग है, हैंड पेंट है, एम्ब्रॉयडरी डिजाइंस हैं, देर इज लॉट ऑफ डिजाइनिंग। तो माई पर्सनल फेवरेट इज ट्रेडिशनल डिजाइंस एंड मैं उस पर बहुत ज़्यादा वर्क भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते भी हैं वो डिज़ाइंस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे सबसे पहले जो है आज मैं आपसे जो डिस्कस करूँगी वो मैं आपको सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली हूँ डिज़ाइन जो ईजी डिज़ाइंस है सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला डिज़ाइन हमारा क्या होगा? हमारा होगा डूडल डिज़ाइंस। डूडल डिज़ाइंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? डूडल डिज़ाइंस जो होते हैं वो होते तो ज्योमेट्रिकल हैं बट उसमें जो है प्रॉपर शेप्स उसका कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए हम डूडल डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं। तो डूडल डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पेपर लिया है जो कि आइवरी शीट है, जो कि ये आइवरी शीट है। तो अब हम इसमें कैसे क्रिएशन करेंगे? मैं सबसे पहले एक जो है स्क्वायर बना लेती हूँ, एक स्क्वायर बना रही हूँ जो कि आइडिया लगा 5x5 का, 5 इंचज़ बाय 5 इंचज़ का मैं एक स्क्वायर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर लगा लिया एंड इसमें मैं आपको डूडल डिजाइन जो है ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इसका हम सेंटर ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इस तरह से। ये मैंने आइडिया से लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। तो मैं इसका जो है यहाँ से 4.5 है, इसका 2.25 आ गया, इधर भी 2.25 आ गया। तो इसको मैंने जो है 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया, 4 कॉलम्स में इसको मैं डिवाइड कर लिया। अब ये डूडल डिजाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? तो डूडल डिजाइंस हम किसी भी फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कुछ भी हम ये ड्रॉ किया हमने, ये देखिए फ्रेंड्स। तो अब हम मेरे को इसमें सर्कल लगाने हैं तो ये मैंने इस तरह से सर्कल लगा दिए। डूडल डिजाइंस जो है मोस्टली स्केचिंग में होती है एंड उसमें जो है हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये क्रिएशन दे दी, इसके अंदर इस तरह से दे दिया, फिर इस तरह से दे दिया। इसमें क्या है, हमें कुछ भी इक्वालिटी का नहीं देखना कि इसमें इक्वल होना चाहिए। बस डूडल डिजाइंस यही होते हैं कि हमने कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी डालना है बट वो सुंदर लगना चाहिए, वो सुंदर लगना चाहिए। ये देखिए इस तरह से कुछ भी क्रिएट करेंगे। ये देखिए, इसको मैं फिल कर दूंगी पूरा इस तरह से, जो मैं इसको फिल करती जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल्स लगा दिए मैंने यहाँ पर। ये डिजाइनिंग क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि मैंने आज जैसे आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि आपको जो है अपना हाथ का थोड़ा फ्लो देखना पड़ेगा उसका, और कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें लाइन्स का ही मेन खेल होता है एंड थोड़ी सी इसमें हम फिलिंग कर देंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें नेक्स्ट डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ। ये देखिए, किसी भी तरह का कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइंस हम कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी ले लें, जस्ट इसमें लाइंस का प्ले होता है और कुछ नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें ब्लॉक्स बना दूंगी। मैं इसको क्रिएट कर दिया, फिर यहां पर बना दिया। ये जो है हमारे डूडल डिजाइंस कहलाते हैं, इसको हम डूडल डिजाइनिंग बोलते हैं। और ये मोस्टली जो है हम इसको जो है लाइट कलर में प्रिंट करके इसको एज अ टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं। इन डिजाइंस को हम एज अ टेक्सचर भी यूज करते हैं प्रिंट्स पे एंड फिर इसके ऊपर ये जो है ये आउटलाइन की डिजाइनिंग होती है जस्ट, एंड फिर इसको हम जो है आउटलाइन करके एंड इसमें थोड़ा थोड़ा जो है हम आउटलाइन का कलर फिल कर देंगे तो ये हमारा टेक्सचर बन जाता है एंड इसके ऊपर फिर हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी प्रिंट करेंगे, कुछ भी प्रिंट करेंगे, कैसा भी प्रिंट करेंगे चलेगा। इस पर हम फ्लोरल प्रिंट कर सकते हैं, इसमें हम मल्टी कलर की कुछ भी डॉट्स दे सकते हैं,
ये हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मैंने ये साढ़े चार बाई साढ़े चार में लिया है, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन का जो हमारा साइज़ होता है वो 4.5 यानी कि 9 इंच का हमारा जो है स्क्रीन का प्रिंट होता है। तो ये रिपीट इसको बनाने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे भी हम इसको क्रिएट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, कैसे भी हम क्रिएट करेंगे। बस हाथ में जो है वही मैं मेरी पहली वाली बात की, हाथ में थोड़ा फ्लो होना चाहिए, हाथ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन क्रिएट ईजीली। ये देखिए मैंने ये विदाउट रबड़ यूज़ किया, क्योंकि इसमें जो है रबड़ का यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको हम जस्ट जो है फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, बट इसको हम साइज़ के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं और साइज़ के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा थोड़ा 19-20 अंदर बाहर हो भी जाता है तो हम उसको किस तरह से कवर करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैं वेव से देती हूँ। ये हमारी जो है डूडल डिज़ाइनिंग हो गई, इसको हम डूडल डिज़ाइनिंग बोलते हैं। हमारी जो जेंटेक डिज़ाइनिंग होती है वो भी इसी तरह से होती है। जो हमारी जेंटेक डिज़ाइंस जो होते हैं वो भी सिमिलर टू दिस होते हैं। हमारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं वो भी सिमिलर टू दिस होते हैं। तो कैसे भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप डालिए, कुछ भी डालिए। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है शेप जो है आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है या फिर इधर उधर जा रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आपका हाथ में स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, जस्ट आप उसको बिल्कुल बिल्कुल जो है आपको हाथ को सधा के रखना है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ भी आप क्रिएट कीजिए, कैसे भी क्रिएट कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैंने इसमें अब इसके अंदर लाइंस डाल दी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कैसे भी आप क्रिएट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये प्रिंट होके बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको जस्ट ऐसे ही प्रिंट करना है, ये हम जो हमारे दुपट्टाज होते हैं, दुपट्टाज में भी हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत अच्छे लगते हैं ये प्रिंट्स। आपने मार्केट्स में देखे भी होंगे कि हम इस अगर इस तरह की आउटलाइन वाले डिज़ाइंस भी लेते हैं तो हमारे को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आती ही नहीं है, हम इसको कैसे भी करके क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसमें जो है फिलिंग कर देती हूँ। ये जस्ट मैं पेंसिल से ही फिल कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं आपको अभी मैं ये स्केचिंग के थ्रू ही दिखा रही हूँ कि स्केचिंग के थ्रू जो है हमारी डिज़ाइनिंग कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ये, क्योंकि ये सिंगल कलर डिज़ाइन है, इसमें मैं डबल कलर नहीं डाल रही, तो इसको जस्ट मैं आपको इसी तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ कि ये हमारा एक हम ये आउटलाइन का ही कलर है, तो इसमें हमारे को दोबारा दूसरा कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम लाइंस को भी हम डबल कर सकते हैं, कहीं कहीं हम इसको मोटा दे सकते हैं, कहीं कहीं हम इसको पतला दे सकते हैं। तो इस तरह से ये चलता है। ये सूट्स में, सूट्स के आजकल जो सूट्स हैं आगे एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, बैक साइड में प्लेन कपड़ा होता है, तो प्लेन कपड़े की जगह अगर हम ऐसे टेक्स्चर वाला कपड़ा डाल दे तो इट्स लुक नाइस। वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, मेरे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स मिलेंगे। हमारी बैलेंसमेंट, कलर की बैलेंसमेंट कैसे होती है ये मिलेगा, और हम डिज़ाइंस कैसे कैसे क्रिएट करते हैं ये सब मिलेंगे फ्रेंड्स। अभी तो मैं जस्ट आपको जो ये मेरे जा रहे हैं, ये सीरीज जा रही है, वो मेरी सिर्फ आउटलाइन के ऊपर जा रही है कि आउटलाइन में हम कैसे कैसे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं हम ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में, किस तरह से हम उसमें भी हम कैसे सिंगल कलर की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, आउटलाइन डिज़ाइनिंग ट्रेडिशनल्स में हम कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड वेरी इजी मेथड। तो हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं, जस्ट हम डिज़ाइन ही नहीं करते, हमें डिज़ाइन के साथ साथ उसको प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ता है डिज़ाइंस को, कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग भी सही लगे। तो उसके लिए हमें जो है रिपीट्स भी देखने पड़ते हैं कि डिज़ाइंस में हमें जो है रिपीट देखना है। तो ये जो डिज़ाइंस मैंने बनाया है वो पूरा रिपीट के अंदर ही बनाया है फ्रेंड्स। ये जो डिज़ाइनिंग मैंने दी है आपको, ये पूरी हो सकता है फ्रेंड्स ये थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाए, बट मेरे को एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे कलर करते जाएंगे ये, पर एक चीज़ का आपको इस चीज़ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ भी क्रिएट करें उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम उसमें अगर हम उसके फिलिंग भी कर रहे हैं तो उसकी बैलेंसमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
हम कुछ भी ड्रॉ करें, चाहे हम ट्रेडिशनल ड्रॉ करें, चाहे हम फ्लोरल ड्रॉ करें, उसमें जो है डिज़ाइन में आपको देखने से वो बैलेंस लगना चाहिए, एकदम बैलेंस। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डिज़ाइन बैलेंस नहीं होगा, अगर आपकी इवन आप एक कोई भी ड्राइंग भी आप करते हैं, कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, फ्लोरल फ्लावर्स ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करते हैं, अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो आपका डिज़ाइन जो है कहीं भी मतलब अनबैलेंस लगेगा। प्रिंट होने के बाद वो बिल्कुल अनबैलेंस टाइप का डिज़ाइन लगेगा। तो ये फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको सिर्फ जो है फ्री हैंड डिज़ाइनिंग टाइप का डिज़ाइन बना के दिखाया है कि इस ये जो डूडल डिज़ाइन होते हैं ये फ्री हैंड ही बनाए जाते हैं। इनको हम ज़्यादा जो है मतलब इतना ध्यान से इसमें जो रिपीट्स और ये सब इतना नहीं भी शो करेंगे तब भी ये डिज़ाइन चलते हैं, तब भी हम इनको अच्छे से प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इधर हो गया, अब मैं इसको इधर प्रिंट करूँगी। तो ये जो है मैं आपको सिर्फ आउटलाइन के साथ जो है फिलिंग बता रही हूँ कि जो हम आउटलाइन करते हैं उसमें हम ये पेंसिल फिलिंग, ये मैं जस्ट पेंसिल फिलिंग कर रही हूँ। पेंसिल फिलिंग के साथ साथ फिर बाद में मैं आपको इसमें कलर फिलिंग भी बताऊँगी कि हम कलर्स के साथ कैसे फिल कर सकते हैं, हम स्केच पेन के साथ। एक्चुअली मैं ज़्यादातर स्केच पेन यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको स्केच पेन के साथ भी बताऊँगी। बट जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हमें वाटर इफेक्ट के देने होते हैं, या फिर उसमें जो है जस्ट हमें कलर्स के साथ ही करना पड़ता है, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा जो है अब एक डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो इसमें जो है बस आप कुछ भी क्रिएट कीजिए, बस ये है कि आप ये चीज़ देखिएगा कि इसमें बैलेंस होना, बैलेंस लगना चाहिए। कोई भी डिज़ाइन आप बनाओ बैलेंस करना चाहिए, ऐसे बैलेंस हो, ऐसे बैलेंस हो तब भी चलेगा। क्योंकि जब हम ये ब्लॉक उठा के ऊपर रखेंगे तो ये हमारा दूर से ही जो है बैलेंस लगेगा डिज़ाइन, ये हमारा बैलेंस लगेगा। देखिए मैं इसमें कुछ भी कर रही हूँ, आप ये देखो, मतलब फ्री माइंड से आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपकी फिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको पेंसिल से ही करके दिखा रही हूँ। बट बाद में मैं आपको जब मैं आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको प्रॉपर जो है सब दिखाऊंगी, तो वो मैं वाटर इफेक्ट से भी दिखाऊंगी, मैं आपको इसकी आउटलाइन करके भी दिखाऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है ये फ्रेंड्स मैं आपको ना सीरीज़ में दिखाऊंगी कि क्योंकि एक एक डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम इन द सेंस कि होते तो बहुत ईजी हैं बट उसको क्रिएट करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं जो कि हमें करनी ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ वो डिज़ाइन का फिर गेटअप नहीं आता, वही हमारे को फ्लो देखना पड़ता है डिज़ाइन का, हमारे को उसमें फिलिंग्स देखनी पड़ती हैं कि हम उसको फिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने थोड़ा मेरे को मैंने इस डिज़ाइन के अंदर जो है मैंने रबड़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, आपके सामने ही मैं ये ड्रॉ करती जा रही हूँ। और इसमें मैंने जो है रबड़ का बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि ये सिंगल डिज़ाइन था और इसमें जो है इतना जो है मेरे को आउटलाइंस का इतना जो है मुझे कुछ भी इतना देखना नहीं था कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कोई कैसी शेप आ रही है, कोई कैसी शेप आ रही है। बस ऐसे जो डिज़ाइंस होते हैं इनमें हमारे को सिर्फ बैलेंस देखना होता है कि हमारे डिज़ाइन में जो है बैलेंस होना चाहिए, हमारे डिज़ाइन में जो है बिल्कुल बैलेंसमेंट होनी चाहिए, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। फ्रेंड्स अभी तो जस्ट ये स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले जो बेस होता है डिज़ाइनिंग का, हमारा बेस किस तरह से होता है वो बताना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना जो है डिज़ाइनिंग हमारी चलती नहीं है। मैं आपको बड़े बड़े डिज़ाइंस बनाना बता दूं कि आप इस तरह से बनाइए इस तरह, पर आपको जब तक उसका रूट ही नहीं पता होगा कि ये किस उस पे बने हैं, मतलब इसके जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। ये तो जस्ट मैं आपको अभी ये ईजी डिज़ाइंस हैं जो कि मैं आपको अभी क्रिएट करके दिखा रही हूँ, ये इजी डिज़ाइंस है। तभी तो सबसे पहले मैंने आपको इजी डिज़ाइन, ताकि आप समझ जाएं कि जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है उसमें जो है हम कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने जो है बिल्कुल भी जो है आपके सामने ही है, मैंने इसके अंदर जो है रबड़ बिल्कुल यूज़ नहीं की है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। आप देख ही रहे हैं कि मैं जस्ट इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, और फ्री हैंड ड्रॉ करने में जो है रबड़स का इतना यूज़ नहीं होता है। फ्रेंड्स आप उसको कैसे भी बना लो, बस ये है कि अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी आ रही है तो उसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन से आप कोई भी डिज़ाइन एक क्रिएट कर दो। जैसे यहाँ पर ये डिज़ाइन ऐसे हो रहा तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये जो है इतना सेटल करना होता है डिज़ाइन को कि हाँ अगर कुछ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना दिया तो वो ऑड नहीं लगना चाहिए डिज़ाइन के अंदर,
बिल्कुल भी और नहीं लगना चाहिए। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये हमारे कहलाते हैं डूडल डिज़ाइंस। तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी कि डूडल डिज़ाइनिंग जो है इसके अंदर और क्या क्या हम क्या क्या क्रिएशंस दे सकते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। ये बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आप आउटलाइन क्रिएट कीजिए, उसके साथ साथ कुछ भी बनाते जाइए, वो डिज़ाइन बनता जाएगा। बस ये है कि इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम फिर अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू हम अपनी प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो अगर हम इसको प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो फिर उसकी रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं है तो फिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिपीट्स के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है उसमें भी बहुत तरह के रिपीट्स होते हैं कि हमें जो हमारी प्रिंट्स के अकॉर्डिंग चलती है। रिपीटिशंस डिज़ाइन का बहुत ज़रूरी होता है। रिपीट में कहीं भी ये शो नहीं होना चाहिए कि जो हमारा एक डिज़ाइन है वो जब हम उसको रिपीट करते हैं तो उसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नज़र आ रहा है तो कोई भी बता देगा कि इसमें रिपीट जो है, ये डिज़ाइन का जो रिपीट है वो अच्छा नहीं है, उसको हमें सही करना है। तो हम जो जब भी हम कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं सबसे पहले हमारे को उसका रिपीट देखना होता है। कोई भी हमें अगर हमें कुछ भी डिज़ाइन दिया जाता है बनाने के लिए कि आप ये डिज़ाइन क्रिएट कर दो, जस्ट सपोज जैसे हमारे को कोई पेजली दे दी तो उसमें बोला गया कि आप इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर दो, तो हम लोग चाहे वो कोई भी साइज़ की पेजली है, चाहे वो 20 बाई 20 की लेंथ में भी 20 एंड विर्थ में जो है वो विर्थ तो जैसी भी होगी पर लेंथ अगर 20 है उसको हम 40 में कन्वर्ट करना है, 40 में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लंबा करेंगे, बट उसको जो बनाने का ढंग है वो देखना पड़ेगा हमें कि हम उसको किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है डूडल डिज़ाइनिंग बन गया, इसको हम डूडल डिज़ाइंस बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स आपको आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, जो मेरी क्रिएशंस मैंने दी हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी ये डिज़ाइंस आ जाएंगे। कुछ भी आप उठाइए, जो आपको अच्छा लगता है बुक में से, कहीं से भी आपको अच्छा लगता है आप उठाइए और उसको आप क्रिएट करना शुरू कीजिए। अब ये जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक उठ के इधर लगेगा तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये एक बैलेंस डिज़ाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश की है, मैंने अपनी एक कोशिश दी है कि इस तरह से जो है हम डूडल डिज़ाइन ही कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, मेरी क्रिएशन कैसे लगी आप बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये देख रही हूँ कि आप वॉच तो ज़रूर करते हैं बट आप लाइक्स नहीं देते, प्लीज़ गिव मी लाइक्स। एंड अब जो है अपना कमेंट कीजिए कि इसमें क्या क्या और मैं इम्प्रूव करूँ। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ या जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो अच्छा भी लग रहा है आपको कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।